अच्छा सबसे पहले मैं इन्वोकेशन नेम इसका सेट करता हूँ, इन्वोकेशन भी इसका मैं यही रख देता हूँ, मलिक रेस्टोरेंट। ये लो चैट बंद हो गई, सही है, यही चाह रहे थे ना कि मैं चैट बंद करूं। ये लो सही है। अब उसके बाद मैं इंटेंट पर गया, बट इंटेंट मैं हाथ से नहीं बनाऊंगा, मैं जो पहले से बने हुए इंटेंट थे वही इसमें लाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहा जाऊंगा जेसन एडिटर, और जेसन एडिटर में जाने के बाद ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करके मैं क्या ला के रख दूंगा यहाँ पर, जो मेरी पहले से बनी हुई अलेक्सा की स्किल थी जो इससे पहले मैंने बनाया हुआ था, उसका जो है यहां से हम इंट्रैक्शन मॉडल में गया मैं, और यहाँ जेसन में गया, सही है। ये पहले से इसमें कबाब जीज रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है इन्वोकेशन में, ठीक है। इसको यहां से मैं बल्कि चेंज भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मलिक, सही है, मलिक रेस्टोरेंट। और क्या है इसमें, ये सब इंटेंट तो उसी तरह रहेंगे, शो मेन्यू वाले और क्या कहते हैं डिवाइस आईडी, ईमेल इंटेंट, ये कुछ एक दो चीजें मैंने ऐड की थी। अच्छा ये जो कस्टम स्लॉट्स है हमारी कबाब, सीख कबाब और ये गोला कबाब, ये हमें मेन्यू पूरा बनाया था हमने, ये भी इसमें इसी तरह रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट है पूरा, तो इसको मैंने कॉपी किया पूरे को, और कॉपी करके क्या किया यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। ये क्या हुआ है, मैंने सेव किया और अच्छा ये ऊपर सेव मॉडल का बटन आ गया, सही है। मैंने ऊपर नीचे करते हुए ना शायद बैक कर दिया था इससे पहले। अच्छा अब मैं जब जाऊंगा इंटेंट में तो मुझे देखो शो मेन्यू, ईमेल इंटेंट, डिवाइस आईडी। अच्छा ये ईमेल इंटेंट और डिवाइस आईडी ये मैंने यहां से क्लास कंप्लीट करने के बाद ऐड किया था, तो ये मैं बता दूंगा ये मैंने क्या करा हुआ, ठीक है। तो खैर हमारे पास शो मेन्यू, ईमेल इंटेंट ये सब पहले से यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अगला काम हमें एंड पॉइंट अपना वाला लगाना है, कस्टम वाला, सही है। अभी इसमें AWS लगा हुआ है, मैंने HTTP किया, और HTTP करने के बाद मेरा जो यहाँ से URL था उसको मैंने कॉपी किया, ये जनाब मेरा URL है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसको पेस्ट किया, और यहाँ सेंटर वाला जो है सब डोमेन है किसी और डोमेन का उसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने सेव एंड पॉइंट कर दिया। अच्छा सेव एंड पॉइंट करने के बाद कहता है कि द स्किल मैनिफेस्ट हैज बीन सेव्ड विदाउट एरर्स, द मॉडल मस्ट बी सक्सेसफुली बिल्ड फॉर चेंजेस टू टेक इफेक्ट। ये जो मैंने चेंज यहाँ पर लगाया है ये जब तक इफेक्ट नहीं आएगा इसका, जब तक क्या होगा इसको मैं बिल्ड नहीं करूंगा, ठीक है। सम टाइम मैंने नोट किया बगैर बिल्ड किए भी इसका इफेक्ट आ जाता है, लेकिन जस्ट उसके लिए हम इसको बिल्ड करेंगे। अच्छा हमने अभी इसमें URL जो लगाया है वो अधूरा था, तो मैंने अभी इसको पूरा कर दिया, सेव एंड पॉइंट, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ वापस से अपने इंटेंट्स में, क्योंकि वहां पे तो बिल्ड का बटन ही नहीं आ रहा। सेव प्रेस करता हूँ एक दफा, और एक दफा मैं बिल्ड प्रेस कर देता हूँ ताकि ये नए सिरे से बिल्ड हो जाए दोबारा। अच्छा और टेस्टिंग वाला पेज मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे टेस्टिंग का पेज खुल चुका है मलिक रेस्टोरेंट, ठीक है जी। टेस्टिंग अभी इसकी डिसेबल है, बिल्ड कंप्लीट होने का वेट करते हैं, फिर टेस्टिंग को इनेबल कर लेंगे। अच्छा बिल्ड जो होती है तो दो बिल्ड चलती है, एक होता है क्विक बिल्ड और एक होता है कंप्लीट बिल्ड। तो जब आप चलाते हैं पहले क्विक बिल्ड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ चीजें वो और करता है, फिर कहता है कंप्लीट हो गया, ठीक है।
सर कोड के अंदर अभी जो आपने पुश किया वो वाला कोड आ गया होगा, कोड के अंदर क्या होगा ये जो कोड है टेस्ट के वेबसाइट पे जो कोड का ऑप्शन है, हाँ इसके अंदर ये अभी वाली फाइल चल रही होगी, अभी वाली फाइल नहीं चल रही होगी ना, अभी यहाँ पे कोड है ही नहीं अभी, हाँ अभी कोड है मेरे मशीन में लोकल मशीन, वो HTTP जब इसको मैं कुछ भी लिखूंगा तो HTTP से रिक्वेस्ट मेरे लोकल मशीन में आएगी। अच्छा लेकिन असूलन ये मेरी लोकल मशीन में नहीं होगा, ये होगा हरिको पे, लेकिन जाहिर है हरिको पे मैं बार बार डिप्लॉय नहीं कर सकता, चेंजेस कर रहा हूँ बार बार डिप्लॉय थोड़ी करूंगा, तो डेवलपमेंट के लिए ये वाला फ्लो है। अभी इसको हम हरिको पे भी डिप्लॉय करके एक दफा देख लेंगे कि वहां पे जाके कैसे होता है, ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया एक दफा रिफ्रेश टेस्टिंग वाले पेज को, और टेस्टिंग वाले पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैंने कहा ओपन मलिक रेस्टोरेंट, ठीक है देखते हैं जी अभी ये मेरे पास रिक्वेस्ट आती है इसकी या नहीं आती, नहीं आई ना यार, क्या करूं मैं इसके साथ। अब VPN डिसेबल करूंगा तो ये मेंटेनेंस पे चला जाएगा, करूं तो क्या करूं इसके बाद, यार मुझे लग रहा है मोबाइल डेटा ही मुझे अपना यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली। ओपन मलिक अच्छा VPN बंद किया तो सही आ गया, लेकिन मसला ये VPN बंद करके थोड़ी देर में क्या करेगा ये, मेंटेनेंस पे चला जाएगा। खैर चलो अभी जब जाएगा तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल चल गया ये कोड, सही है कोड तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, सही था कोड, दो इंटेंट हमने चला के भी देख लिए थे। अच्छा जी तो अभी ये मुझसे क्या कह रहा है कि वेलकम टू कबाब चीज, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट, यू कैन आस्क मी फॉर द मेन्यू। मैंने कहा भाई शो मेन्यू, ठीक है जी शो मेन्यू की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, सही है। अच्छा शो मेन्यू की रिक्वेस्ट आते ही यहाँ पे मेरे पास तीन तरह के डिवाइसेस यहाँ पे शो करा हुए हैं ना, तो मैंने अभी जो सबसे बड़ी वाली डिवाइस है वो सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो उसमें कुछ इस तरह का दिख रहा होगा ये, और टेक्स्ट में कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। और मेरे पास लैपटॉप का जो ऑडियो है वो म्यूट है, अभी मैंने ऑडियो खोल दिया है तो ऑडियो में मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। Gola kebab and Sikh kebab. Which one would you like to order? हमें चाहिए गोल कबाब। अबे गोला है भाई सीख लो बोल। खाया नहीं है ना इसने अभी, इसको पता नहीं है। हम नाम लेते ही मुंह में दोनों साइडों से पानी निकल आता है। जो तलफ्फुज़ को और अच्छा कर देता है गोला कबाब। अच्छा भाई। अब मुझे करना ये है कि भाई प्लेस ऑर्डर का जो है ना एक अदर इंटेंट बनाना है, लेकिन प्लेस ऑर्डर के इंटेंट से पहले हमारे पास काम क्या था, एक अदद वो काम ये था हमारा कि हमें कोई ऐसा तरीका तलाश करना था इसका जिसके जरिए जब यूजर ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, तो हम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको समझ सकें। ये क्या हुआ, नहीं वो किसी चीज पे एरर आ गया था, नहीं मैं दोबारा से अगर शो मेन्यू करूं इसको तो इन द मेन्यू वी हैव बीफ कबाब मटन कबाब चिकन रेशमी कबाब गोला कबाब एंड सीख कबाब व्हिच वन वुड यू लाइक टू ऑर्डर। अच्छा मोंगो डीबी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, मोंगो नेटवर्क एरर कनेक्शन 1 टू दैट 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 क्लोज्ड, वो मैंने VPN बंद खोल किया ना उससे भी सम टाइम डेटाबेस के कनेक्शंस लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक आईपी के जरिए कनेक्टेड होते हैं, वो जब VPN लगता है तो आईपी चेंज हो जाती है। अच्छा जी तो हमें क्या करना था, हमें बंदे की कोई ना कोई ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए थी जिसके जरिए हम बंदे को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें कि ये कौन है बंदा जो वो कर रहा है। अच्छा तो इसके लिए मैंने एक इंटेंट बनाया है, उस इंटेंट का नाम है डिवाइस आईडी। अब डिवाइस आईडी के अंदर बंदा क्या बोलता है, माई डिवाइस आईडी या शो माई डिवाइस आईडी या व्हाट इज माई डिवाइस आईडी, ठीक है, और उसके अंदर कोई स्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, और बैकएंड पे उसको हैंडल कैसे किया गया है के आ गया भाई, कहाँ चला गया डिवाइस आईडी, ये रहा डिवाइस आईडी। अच्छा ये है डिवाइस आईडी हैंडलर,
अब डिवाइस आईडी हैंडलर में क्या हो रहा है, कैन हैंडल एक तो उसी तरह है, ठीक है, इंटेंट रिक्वेस्ट होनी चाहिए और इंटेंट का नाम क्या होना चाहिए डिवाइस आईडी, तो ये चले। उसके अंदर मैंने कहा है कि हैंडल इनपुट डॉट रिक्वेस्ट एनवेलप। रिक्वेस्ट एनवेलप क्या चीज होती है कि जो अलेक्सा के सर्वर से जो पूरी रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसकी पूरी बॉडी, उसमें एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं वो सब रिक्वेस्ट एनवेलप के अंदर होती है ना, एक जेसन होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो उसको मैंने स्ट्रिंगिफाई करके क्या करवा दिया है, कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। स्ट्रिंगिफाई का मतलब ये होता है, अगर आप स्ट्रिंगिफाई नहीं करवाएंगे ना तो दो तीन लेवल के अंदर फिर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो पूरा शो नहीं करता उसको, ठीक है। तो मतलब एक लेवल या दो लेवल तक शो करता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो मैंने स्ट्रिंगिफाई करके किया ताकि वो पूरे को खोल के ना एज अ स्ट्रिंग उसको वो प्रिंट कर दे, तो वो मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर, इस रिक्वेस्ट एनवेलप के अंदर मुझे एक ऐसी चीज तलाश करनी है जो यूनिक हो। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास तीन तरह की ना यूनिक आईडी मिलती है, सही है। नंबर एक सेशन आईडी। सेशन आईडी क्या होती है कि जब आप बात करना शुरू करते हैं अलेक्सा से, मैंने कहा ओपन मलिक रेस्टोरेंट, अब वो बात चल रही है चल रही है चल रही है, ये जब तक ये बात चल रही है ना, एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट हो जाता है और वो सेम रहता है। अच्छा, जैसे ही वो मैंने छोड़ दिया बात करना या क्लोज हो गया, मतलब रीप्रॉम्प्ट नहीं आया, क्लोज हो गई मेरी एप्लीकेशन, ठीक है। अगर रीप्रॉम्प्ट के बगैर हम रिस्पॉन्स भेजते हैं तो एप्लीकेशन वहां क्लोज हो जाती है, तो वो सेशन आईडी वहां पे खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। अब अगली दफा जब भी बंदा बात करेगा तो सेशन आईडी क्या बनेगी, एक न्यू। अच्छा, मैं बल्कि क्या करता हूँ, ये आपको जेसन जो है ना, ये मैं इसको प्रिंट भी कर लेते हैं जेसन, क्योंकि उसमें क्या क्या आ रहा है जरा देखें तो सही। अच्छा, मैंने कहा भाई शो डिवाइस आईडी, अच्छा जी, हाँ, डिवाइस आईडी जो है वो मेरे ख्याल है अभी पता नहीं 32 बिट की होती है शायद, तो वो 32 बिट जितनी उसकी लंबाई होगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, वो पूरा रिक्वेस्ट एनवेलप जो था ना वो उसको कॉपी कर लिया, और उसको कॉपी करके ना यहाँ मैं लेकर आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये जेसन ब्यूटीफायर है, इसमें आप जेसन जैसे भी कचरा फॉर्म में करें ना उसको ब्यूटीफाई करें, उसको अच्छा सा बना के दिखा देते हैं, ठीक है, जेसन ब्यूटीफायर। अच्छा, सेशन के अंदर है सेशन आईडी और ये है वो सेशन आईडी, ठीक है जनाब। अच्छा, एक सेशन आईडी हो गई। नंबर दो जो यूनिक आइडेंटिफायर मिलता है हमें, वो मिलता है एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी। अच्छा, एप्लीकेशन क्या चीज है, मिसाल के तौर पे मैं जिस एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, सॉरी, जो मेरी जो स्किल है ना, वो जाहिर है अलेक्सा की एक ऐप है तो उसकी एक आईडी मिल रही होती है मुझे, बट वो क्या होगा कि उस केस में इस्तेमाल होती है जब एक ही सर्वर में मैं दो तीन स्किल के रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिल रहा होता है, तो ये यूनिक होती है, बट हर यूजर पे ये सेम मिलेगी, ये एप्लीकेशन यूनिक होती है, एक एप्लीकेशन आईडी हो गई। अच्छा, इसी तरीके से अब एक होती है डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी क्या होती है कि मैं जिस डिवाइस पे यूज कर रहा हूँ ना, अलेक्सा की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जब ऑन होती है ना तो वो अपनी एक आईडी बना लेती है यूनिक। अच्छा, वो क्या हो सकती है, मोबाइल ऐप भी हो सकती है, वो भी एक अलेक्सा की डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, एक उसकी फिजिकल डिवाइस हो सकती है, ठीक है, एक ये हो सकता है सिमुलेटर, जो हम जहाँ पे टेस्टिंग करते हैं वो सिमुलेटर से जब हम कर रहे होते हैं ना, तो सिमुलेटर क्या करता है, अपनी एक डिवाइस आईडी जनरेट कर लेता है, तो जब मेरा एक्चुअल यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसकी जो डिवाइस आईडी एक बार बन गई ना, वो डिवाइस आईडी सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, वो जब तक उसको रीसेट ना कर दे वो डिवाइस आईडी सेम रहेगी। अच्छा, तो क्या हम डिवाइस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बंदा जब ऑर्डर करे तो क्या हम उसके डिवाइस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं नो, क्यों नहीं कर सकते, नहीं, हमें तो जस्ट एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए ना अभी फिलहाल के लिए, अभी हम ईमेल की बात नहीं कर रहे, अभी एक जस्ट यूनिक, तो क्या वो यूनिक रहेगा, नहीं, क्योंकि मिसाल के तौर पे जब आप कार्ड
में चीजें डाल रहे होते हैं, किसी भी आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और कार्ट में आप चीजें ऐड कर रहे होते हैं, तो आपसे पेमेंट नहीं पूछता, आप लॉगिन भी नहीं है, इवन आप लॉगिन है ही नहीं, आप जस्ट गए और आपने कार्ट में चीजें ऐड करना शुरू कर दी, वो ऐड करता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। जब आप करेंगे ना चेकआउट, वो आपसे एड्रेस वेड्रेस नाम वाम हर चीज मांग लेगा, फिर आखिर में आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट कर लो या लॉगिन कर लो, अगर पहले से एडेड है तो लॉगिन कर लो, बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप पे पूछता है वो। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे होते हैं, जो भी कार्ड बन रहा होता है ना वो सब लोकल स्टोरेज में होता है। तो अभी इसमें मुझे एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए जिसमें मैं कार्ड के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं एज अ कार्ड, तो क्या ये सही है डिवाइस आईडी उसके कार्ड के तौर पर? क्यों नहीं? नहीं, डिवाइस देखो इतनी आसानी से बंद तो नहीं होगी ना, पहली बात तो ये इतनी आसानी से बंद नहीं होगी डिवाइस। मिसाल के तौर पे मैंने इंटरनेट दोबारा कनेक्ट होगा तो आईडी वही रहेगी, आईडी चेंज नहीं होगी जब तक वो उसको हार्ड रिसेट नहीं करे ना, पीछे बटन होता है हार्ड रिसेट, वो दबा के उसको रिसेट नहीं करे जब तक आईडी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, वो जो एलेक्सा की डिवाइस है ना, एक तो हमारे पास मोबाइल फोन है ये बहुत पंगे करता है, लेकिन जो फिजिकल डिवाइस है ना एलेक्सा की, वो बहुत स्मूथ है, वो एक बार आपने उसको वाईफाई का पासवर्ड बता दिया ना, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो बहुत ही बेहतरीन है, वो सुनता भी बड़ी स्पीड में। अब मेरे पास एलेक्सा की डिवाइस नहीं है घर पे, मेरे पास गूगल की डिवाइस, गूगल होम, गूगल असिस्टेंट का जो होम डिवाइस, तो उसको मैं अगर मतलब इतनी दूर पड़ी हुई है डिवाइस, जैसे ये बैठा हुआ है ना फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हैं, इतनी दूर कोने में दीवार के पास इतनी दूर पड़ी हुई होती है, तो मैं अगर हल्के से भी कहूँ ना कि हे गूगल व्हाट टाइम इज इट, मतलब इतने इंटेंसिटी में, तो भाई उसको सुन भी जाता है और रिस्पॉन्स भी आ जाता है उसके पास। तो मतलब फोन में तो बहुत पंगे हैं, फोन में तो आज तक मेरे से गूगल असिस्टेंट चला ही नहीं ढंग से, मेरे सीरी नहीं चला आज तक, सीरी हालांकि इन सब में काफी रिलायबल समझा जाता है सीरी को, बट मैं कई दफा होता है मैं सीरी सीरी चिल्लाता रहता हूँ उसको पता ही नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। मतलब इन सब में ज्यादा एक्यूरेट सीरी है, लेकिन सीरी मोबाइल फोन में सीरी नहीं काम कर रहा होता सही तरीके से, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन बने हुए ये अभी ये नहीं बने हुए, ये बने हुए 4 से 5 साल पुराने चिपसेट हैं इसके अंदर, जो अब चिपसेट बन रहे हैं ना वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। तो अभी अगर आईफोन में अगर सीरी अच्छा चलेगा ना तो किसमें चलेगा वो? एटलीस्ट आईफोन 11 में या 12 में चलेगा, उससे पहले वाले में आप एक्सपेक्ट ना करेंगे सीरी सही चलेगा, क्योंकि आईफोन 10 को भी आए हुए काफी जमाना गुजर चुका है, 2-3 साल पुराना हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये इतनी हाइप भी नहीं थी इन चीजों की, चैटबॉट वगैरह में कोई पता ही नहीं था किसी को, तो बड़े मसले हैं फोन में। लेकिन फिजिकल डिवाइस जब एक बार आप सेटअप कर देते हैं ना, तो वो सालों साल उसको आपको टच भी नहीं करना पड़ता, वो इवन उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए आप उसको बोलते हैं कि यार हे गूगल वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम 20%, तो वो खुद ही समझ रहा होता है, मतलब उसको टच करने की जरूरत नहीं होती आपको। तो ये डिवाइस आईडी ना आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, बहुत रिलायबल चीज है। लेकिन इसमें जी दो, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरा जो अकाउंट है अलेक्सा का, मेरे घर पे एक डिवाइस है उसमें भी लॉगिन है, मेरे ही घर के दूसरे कमरे में रखा हुआ जो डिवाइस है वो भी मेरे अकाउंट से लॉगिन है, बट उसकी डिवाइस आईडी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि हार्डवेयर अलग है ना वो। अच्छा, फिर मेरे फोन पे भी लॉगिन है मेरे अलेक्सा की आईडी, मेरे पास इमेजिन करें कि अमेजोन का फोन है, उसमें बाय द वे है तो नहीं अमेजोन का कोई फोन इस वक्त, वो एक ही निकाला था वो ठंडा हो गया, अब वो टैबलेट वगैरह निकालते हैं बट उसमें भी अलेक्सा होती नहीं है बिल्ट, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं मिसाल के तौर पर फोन पे भी अलेक्सा को यूज करता हूँ, मैंने अपने डेस्कटॉप पे भी किसी ना किसी तरह जुगाड़ से इंस्टॉल किया है, वहां पे भी यूज करता हूँ मैं अलेक्सा को, तो कुल मिला के अच्छा गाड़ी में भी अलेक्सा यूज हो सकती है, गाड़ी में बहुत से लोगों ने रखा हुआ होता है अलेक्सा, क्योंकि गाड़ी में वाईफाई तो आजकल कॉमन है, वाईफाई के बगैर तो गाड़ी होती नहीं है, जैसे ये टेस्ला वगैरह है इसके अंदर बिल्ट इन इंटरनेट के बगैर चली नहीं सकती है गाड़ी, तो इसमें अगर आप अलेक्सा की डिवाइस रखते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और पावर उसको बैटरी से मिल रही है कंटिन्यूस, जैसी गाड़ी ऑन करेंगे अलेक्सा ऑन हो जाएगी, इवन ऑफ में भी अलेक्सा ऑन रख सकते हैं अगर चाहें तो, बैटरी से बिल्कुल ही डायरेक्ट कर देंगे। तो उस सूरत में क्या होगा कि अलग अलग डिवाइसेस पे जब मैं अपना कार्ड चेक करूंगा ना तो मुझे वो कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, बट जो कार्ड का केस है ना उस केस में ये सही है, उस केस में ये सही इस वजह से है, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर में रूम में बैठा हुआ और मैं कुछ चीजें शॉपिंग के लिए ऐड करता हूँ कि यार ये ऐड करते जाओ, तो वो उस डिवाइस की हद तक रहनी चाहिए, क्योंकि वेब में भी ऐसे ही होता है, अगर आप एक लैपटॉप पे कर रहे हैं बावजूद इसके कि आप लॉगिन है, दूसरे में जब आप जाते हैं ना तो कार्ड वाली चीजें आपको नजर नहीं आती, वो उधर ही रह जाती है क्योंकि वो डिवाइस लेवल पे हो रहा होता है। बट
रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि नहीं यार कार्ड जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर डिवाइस पे सिंक रहे, कि मतलब मैं रूम में बैठा बैठा ऐड करूं फिर मैं गाड़ी में आऊं तो वो ऐड हुआ हुआ मुझे गाड़ी में भी मिले, तो फिर मैं उसमें ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो सेम रहे, हर डिवाइस पे सेम रहे, ये हर डिवाइस पे चेंज हो रही है, ठीक है। बट बहुत सारी जगहों पे ये चीज काफी यूजफुल रह सकती है, जो आप चाहते हैं कि यार नहीं उसका कौन बंदा लॉग इन है उससे ताल्लुक नहीं हो, किस डिवाइस पे बात हो रही है उससे ताल्लुक हो, तो ये वहां पे यूजफुल है। अच्छा, फिर तीसरी चीज आपको मिलती है इसमें यूजर आईडी। यूजर आईडी जो है ना ये ईमेल का ही आप समझेंगे एक तरह से, इन्होंने हैश क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, ये यूजर आईडी आपको मिल जाती है, ये यूजर आईडी जो है ना बंदे के साथ कनेक्टेड होती है। मिसाल के तौर पे मैं जिस डिवाइस पे मैं लॉग इन हूं ना, मेरी यूजर आईडी उस डिवाइस पे सेम जाएगी, किसी और डिवाइस पे भी जाऊंगा ना तो वहां से भी मेरी यूजर आईडी सेम जाएगी। अच्छा, ये यूजर आईडी के लिए कोई परमिशन वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, इसके लिए कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, ये बिल्कुल ईमेल की तरह है, जैसे ईमेल यूनिक है उसी तरह ये भी यूनिक है, बट इसके लिए मुझे कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, अगर मैं ईमेल मुझे चाहिए होगा ना इसकी जगह पे, तो उसके लिए फिर मुझे यूजर से परमिशन लेनी पड़ती है, कि जब वो इनेबल करेगा ना तो वो चेक लगाता है, अभी हम वो देखते हैं कैसे होते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास तीन यूनिक चीजें मौजूद है, नंबर एक सेशन आईडी, नंबर दो डिवाइस आईडी, और नंबर तीन यूजर आईडी। डिवाइस आईडी भी यहाँ नीचे कहीं ना कहीं आ रही होगी, ये तो एप्लीकेशन आईडी है ना, ये तो मेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, इसको छोड़ दो, ये यूनिक है लेकिन काइंड ऑफ नहीं भी है ये, मतलब क्योंकि हर यूजर में सेम आ रही होगी। ये आ गई जनाब आपकी, अरे सेशन आईडी कहाँ चली गई, सॉरी डिवाइस आईडी ना, सेशन आईडी ये रही, डिवाइस आईडी, सॉरी डिवाइस आईडी यूजर आईडी और सेशन आईडी, ठीक है, डिवाइस आईडी, यूजर आईडी और सेशन आईडी तो सबसे टॉप पे थी, ये सेशन आईडी आ गई, ठीक है। तो ये तीन तरह की आईडी यहाँ पे मौजूद है, एक चौथी भी है एप्लीकेशन आईडी, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते, वो किसी काम की नहीं है, वो उस केस में काम आएगी जब एक ही सर्वर पर दो दो एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं। अच्छा जी, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ये यूजर आईडी निकाल के ना इसमें से, ये डिवाइस आईडी निकाल के, मैं दोनों निकाल सकता हूँ, यूजर आईडी डिवाइस आईडी, मैं बंदे को रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ये जो है ना डिवाइस आईडी हैंडलर, कि भाई बंदा पूछे व्हाट इज माय डिवाइस आईडी, मैं उसी ऑब्जेक्ट में से डिवाइस आईडी निकालू, बता दूं भाई ये तुम्हारी डिवाइस आईडी। अच्छा, कैसे निकाला मैंने ये, अलेक्सा का जो एसडीके है जो हम शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे एसडीके, ये बावजूद इसके आपने देखा है सिंपल जेसन है, डॉट डॉट करके मैं जो चाहूं निकाल सकता हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, कन्वीनियंस के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, हेल्पर फंक्शन कह सकते हैं आप इसको, हम क्या करते हैं, कहते हैं अलेक्सा डॉट गेट डिवाइस आईडी, और उसके अंदर उसको एनवेलप पूरा पास कर देते हैं, कि भाई इस एनवेलप से ना मुझे क्या निकाल के दो, डिवाइस आईडी निकाल कर दो, वो खुद ही देखेगा कि अच्छा कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, उनको मतलब बनाया हुआ उन्होंने एक मैकेनिज्म, तो मुझे डॉट डॉट लगाने से बचत हो जाती है मेरी। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसमें क्या गेट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा ना गेट, तो और भी आ जाएंगे, गेट यूजर लिखूंगा ना, ये रहा गेट यूजर आईडी, मैं गेट यूजर आईडी करूंगा तो ये इसी एनवेलप से मुझे क्या निकाल के दे देगा, यूजर आईडी निकाल के दे देगा, इसको मैंने कह दिया यूजर आईडी, ठीक है जनाब। अब मैं क्या करता हूँ, स्पीक आउट में कहता हूँ योर डिवाइस आईडी इज दिस एंड योर यूजर आईडी इज, और उसमें मैं यूजर आईडी लगा देता हूँ, ठीक है जी, डिवाइस आईडी भी बता दी उसको, यूजर आईडी भी बता दी उसको, और इस तरह से करके अब इसको आप दो तीन मुख्तलिफ डिवाइसों पर टेस्ट करेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि यूजर आईडी सेम आ रही होगी, डिवाइस आईडी लेकिन दो डिवाइसों पर अलग अलग आ रही होगी, ठीक है जनाब। अब मैं आके यहाँ पे इससे कहता हूँ कि भाई शो डिवाइस आईडी, दोबारा से कहता हूँ इसको, अच्छा डिवाइस आईडी के साथ मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजा तो वो एप्लीकेशन ये भी कह सकता हूँ कि आस्क मलिक रेस्टोरेंट टू शो डिवाइस आईडी, ठीक है, इसको इम्प्लिसिट कॉल कहते हैं, इस तरह से भी डायरेक्ट भी कह सकता हूँ। Your device is Amazon One dot ask dot ke device यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मुझे क्या बताया, मेरी device ID बताया, अच्छा उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने क्या बताया मुझे, मेरी user ID मुझे बताई, सही है। अच्छा तो ये बात समझ आ गई कि हम user ID को अगर सिर्फ unique identifier की हद तक बात है तो हम क्या कर सकते हैं, user ID को इस्तेमाल कर सकते हैं,
अच्छा अब हमें चाहिए बंदे की ईमेल। तो बंदे की ईमेल को गेट करने के लिए ना मेरे पास, मुझे डायरेक्ट वो नहीं मिलेगा, मुझे यूजर से कंसेंट भी लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर यूजर ने कंसेंट नहीं दिया हुआ, उसको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि भाई आप कंसेंट दो मुझे। तो हम एक दफा और चलते हैं और जेसन का ना बगौर जायजा लेते हैं कि इस जेसन में और क्या किया। अच्छा आप नोट करें इसमें ना एक अगर लिखा हुआ एपीआई एंड पॉइंट, जो जेसन का रिस्पांस आया है उसमें एक अदद लिखा हुआ है एपीआई एंड पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है https.api.alexa.com, ये लिखा हुआ है। उसी के नीचे लिखा हुआ है एपीआई एक्सेस टोकन, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है एपीआई एक्सेस टोकन। अब ये जो है ना आपका एलेक्सा की ना एपीआई है, सही है, और नीचे उसके एक्सेस टोकन लगा हुआ है। हमें ये एपीआई कॉल करके यूजर का, जो भी यूजर इस वक्त आया ना, मतलब हर यूजर पे ये अलग होगा, हर यूजर के लिए टोकन अलग बना के देता हूँ। तो मैं जब अपने वेबहुक पे मुझे ये एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन मिलेगा, तो मैं इस एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट भेजूंगा और वहां से मुझे इसकी यूजर की ईमेल आएगी, ठीक है। करके देखते हैं अभी, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है जनाब। अभी वाला उठा लेते हैं, ये तो पुराना हो गया ना टोकन, टोकन नया वाला उठा लेते हैं यार सर, ठीक है। टोकन मैंने कॉपी किया दोबारा से इसको, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां पे लाके ना पेस्ट किया और क्या किया, ब्यूटीफाई का बटन दोबारा से मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये नई वाली रिक्वेस्ट है, जो अभी लास्ट वाले में मैंने मारा है वो वाली रिक्वेस्ट है ये। अच्छा गया मैं यहाँ पे जनाब, जाके मैंने ये एंड पॉइंट कॉपी किया। अब इस एंड पॉइंट में मुझे रिक्वेस्ट मारनी है, बेस्ट तरीका मेरे पास है कि मैं थंडर क्लाइंट पे जाऊं और थंडर क्लाइंट पे जाके मैं पेस्ट कर दूं इसको, एक गेट की रिक्वेस्ट लगानी है मुझे। अच्छा अब दूसरा इसने मुझे दिया हुआ है ना जो एपीआई एक्सेस टोकन, ये मुझे कैसे भेजना है, ये इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन किया हुआ है। मुझे जाना है ऑथेंटिकेशन में, ऑथ लिखा हुआ है ना जो, ये इसमें जाना है मुझे, ठीक है। और ये बेयरर टोकन देख रहे हो, जैसे ही मैं ऑथ में जाऊंगा ना, एक है नन, एक है बेसिक ऑथ, एक है बेयरर, एक है ऑथ 2.0। यानी ऑथेंटिकेशन मुख्तलिफ किस्म की है, जब एपीआई कॉल करते हैं आप तो उसमें ऑथेंटिकेशन मुख्तलिफ तरह की है। और यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन कौन सी मिली हुई है, हमें बेयरर मिली हुई है, या उसको हम ऑथराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक ऑथ जी दोस्त, मतलब एपीआई कॉल कर रहा हूँ ना मैं, तो एपीआई जो कॉल कर रहा है बंदा वो है कौन, मतलब ये पासवर्ड है, ये काइंड ऑफ, ये जो चीज है ना लंबी सी, ये पासवर्ड है जो मुझे मिला हुआ है। ये पासवर्ड अगर नहीं होगा ना तो इस एपीआई से मुझे डेटा नहीं मिलेगा। ये पासवर्ड यहाँ से आया ना, जो मेरे पास रिक्वेस्ट का एनवेलप है ना उसमें है, ये दोनों चीजें हैं उसमें। अच्छा तो मैंने क्या किया, इसको सेंड का बटन दबा दिया। अच्छा सेंड का बटन मैंने जैसे ही दबाया, 404 किस मशीन में आ रहा है, अबे टेंपरेरी अनअवेलेबल ये बकवास, एक दफा और जनरेट कर लेते हैं, सही है। मेंटेनेंस पे चला गया है क्या, सही है। मैंने दोबारा से इसको हिट किया है और मैं क्या करता हूं, अब यहां से जो अभी वाली रिक्वेस्ट है, तो ये अभी वाली रिक्वेस्ट को मैंने दोबारा से कॉपी किया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जेसन ब्यूटीफायर पे, और मैंने ब्यूटीफायर का बटन दोबारा से दबाया। अच्छा आपको जाहिर है ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि आपने वही वेबहुक के अंदर ही मतलब इफ एल्स लगा के हिट मारा हो, तो जाहिर है ये तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना कि वहां से हाथ से निकाल के और थंडर क्लाइंट से जाके मार रहा हूँ। जाहिर है आपने वहीं पे एक्सियोस का छोटा सा मॉड्यूल लगाया हुआ, उसी से आप रिक्वेस्ट में मार रहे होंगे, तो आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। ये जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो एक्चुअल समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल चीज हो क्या रही है यहाँ पे।
फिर जाहिर है उसको अंदर ही कोड में लिख देंगे तो हमें फिर पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। फोर क्यों यार, अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ, मतलब मुझे लग रहा है शायद थंडर क्लाइंट का कोई इशू है, तो मैं पोस्टमैन से करके देखता हूँ इसी चीज को दोबारा। इसमें असल में रिस्पॉन्स मुझे आना चाहिए 403, मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलना चाहिए 403 मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने एक नई स्किल क्रिएट की है और उसमें मैंने कोई परमिशन वगैरह नहीं मांगी है अभी तक, ठीक है, मैंने यूजर से कोई परमिशन वगैरह नहीं मांगी है अभी तक, तो वो जब तक मैं परमिशन नहीं मांग लूँ तो उसको 403 देना चाहिए इस API को। चलो तो ये गेट की रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, ऑथराइजेशन और बेयरर टोकन, ठीक है जी, ये टोकन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया बेयरर टोकन। ठीक है जी, और मैंने इसको किया, अच्छा URL क्या किया, URL मैंने राइट कर दिया ना, ये जो रिक्वेस्ट मैंने की है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता 403 अभी रिस्पॉन्स आ रहा है ये रिस्पॉन्स इस वजह से आ रहा है कि अभी तक मैंने परमिशन नहीं मांगी है यूजर से प्रॉपर। ठीक है, अच्छा यूजर से प्रॉपर परमिशन मांगने के लिए मुझे पहले तो अपनी स्किल में जाना पड़ेगा, सही है, अपनी स्किल में जाके लास्ट में यहाँ पे आप देखें एक टूल्स लिखा हुआ है, इस टूल्स के अंदर परमिशंस का एक पेज है यहाँ पे, सही है, हाँ ये परमिशन का आ गया ना, अच्छा समझ में तो आया ना अभी तक मैंने क्या किया, सर ये ऊपर से जा रहा है। अच्छा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया, देखो नंबर एक बात तो ये मैंने दिखाई कि जब आपके पास रिक्वेस्ट का एनवेलप आता है ना पूरा वेबहुक के ऊपर, तो उस वेबहुक के अंदर तीन यूनिक आइडेंटिफायर आते हैं, नंबर एक सेशन आईडी, समझ आ गया, बड़ा सा जेसन होता है, सेशन आईडी आती है, डिवाइस आईडी आती है, यूजर आईडी आती है, ये तीन यूनिक आइडेंटिफायर आपको मिल रहे होते हैं, इन तीनों को आप मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ तरह से जैसे आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बस इनका बिहेवियर पता होना चाहिए कि किसका बिहेवियर क्या है, सेशन आईडी का बिहेवियर क्या है, एक सेशन चल रहा है वो खत्म होगा, खत्म हो जाएगी वो, दूसरी बनेगी अगली दफा, जो डिवाइस आईडी है वो एक डिवाइस की वो सेम रहेगी, ठीक है जनाब, उस डिवाइस से अगर कोई दूसरा भी लॉग इन हो जाए ना तो डिवाइस आईडी उसकी सेम रहेगी मोस्ट प्रॉब्ली, वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से बिहेवियर, मैंने ये पढ़ के नहीं देखा, मेरा जस्ट ये अंदाजा है कि डिवाइस आईडी जो है ना अगर उस पर कोई दूसरा भी लॉग इन हो जाए तो शायद वो सेम रहेगी डिवाइस आईडी। अच्छा फिर तीसरी चीज है यूजर आईडी, यूजर आईडी क्या होता है कि एक ईमेल से अगर चार पांच डिवाइसेस हैं लॉग इन हुई थी तो मैं किसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा तो यूजर आईडी सेम जानी चाहिए, ठीक है जनाब, तो ये तीन तरह के आइडेंटिफायर है। अब लेकिन हमें बिल्कुल ही यूनिक चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, ईमेल एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ यूनिक है बल्कि उसके ऊपर मैं मैसेज भी भेज सकता हूँ बाद में, उसको यूजर को एंगेज कर सकता हूँ, ठीक है, पेमेंट के रिसिप्ट वगैरह उसको बाद में नोटिफिकेशन वगैरह ये चीजें भेज सकता हूँ, बगैर यूजर के कंसेंट के ऑफकोर्स नहीं भेज सकता, अदरवाइज वो फिर कंप्लेन करेगा तो चीजें ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो यूजर के कंसेंट के मुताबिक आपको भेजना होता है। और जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उस ईमेल में एक लिंक ऐसा भी होता है अनसब्सक्राइब का, कि अगर वो चाहता है कि इससे अनसब्सक्राइब कर दे तो वो उसको भी ऑप्शन देना पड़ता है आपको, अदरवाइज क्या होता है वो स्पैम पे क्लिक करेगा, आपकी सारी ईमेल अगली जो फ्यूचर आप ईमेल भेजेंगे वो सारी स्पैम के फोल्डर में जा जाएगी, आपको वो एक मिनट में साइट पे कर देगा, ठीक है, तो स्टिल आप जो उसको उससे जो कॉन्टेक्ट करेंगे आप या उसको ईमेल भेजेंगे वो बिल्कुल अब्यूज नहीं कर सकते आप, वरना वो उसके पास ऑप्शन है, ब्लॉक कर देगा वो आपको। और जीमेल के अंदर ये होता है कि अगर दो चार यूजर ने आपको ब्लॉक मारा ना तो बाकी यूजर को बाय डिफॉल्ट वो स्पैम में भेज रहा होगा, वो जो चाह भी रहना कि उसके बाद पहुंचे उसके बाद भी नहीं पहुंचेगा, खैर बट हमें चाहिए ईमेल। अब ईमेल जो है ना इन्होंने बताया Amazon Alexa ने कि भाई आपको ना वेबहुक पे हम ईमेल ऐसे नहीं देंगे, ये हम समझते हैं कि यूजर की ईमेल है इसके कंसेंट के बगैर ये आपको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि रिक्वेस्ट एनवेलप में एक अदद IP API होगी,
अच्छा इसको क्या कहते हैं, ये कॉन्टेक्ट डिटेल एपीआई। ये साथ में मैंने एक डॉक्यूमेंट का लिंक भी खोला हुआ, इसके अंदर क्या है, रिक्वेस्ट कस्टमर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर योर स्किल। इसमें इन्होंने पूरा बताया हुआ, यही चीज जो मैं भी आपको करके दिखाने लगा हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है, किस किस जगह पे जाके क्या क्या आपको चीज बतानी होती है। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि हाउ टू रिक्वेस्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे ना गेट एपीआई टोकन, कह रहा है कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम के अंदर एपीआई एक्सेस टोकन होता है, जो भी हमने एनवेलप में से एनवेलप की बात हो रही है उसमें एपीआई एक्सेस टोकन होता है और एक एंड पॉइंट होता है, इसको आप हिट करो यहाँ से आपको मिलेगा ईमेल। लेकिन कब मिलेगा, जब यूजर ने कंसेंट दिया हुआ होगा, परमिशन अलाउ किया हुआ होगा, जब मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 403। ठीक है, यहाँ पे इसने ये बताया हुआ होगा। ठीक है जी, परमिशन कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर कंसेंट। अभी कस्टमर कार्ड भेजना पड़ता है पूरा आपको, सॉरी कंसेंट कार्ड भेजना पड़ता है, इसमें ये परमिशन इस तरह से होती है। ठीक है जी, अब ये पूरी लंबी सारी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर वो पूरी बातें लिखी हुई है जो अभी मैं करने लगा। अच्छा जी, तो मैं अब आ जाता हूँ अपनी स्किल के अंदर। स्किल के अंदर मैं बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके आखिर में जाता हूँ जहां पे लिखा हुआ है टूल्स। सही है, टॉप पे लिखा हुआ है एक जगह पे लिखा हुआ है इन्वोकेशन, इंट्रैक्शन मॉडल, एसेट्स, स्लॉट टाइप्स, फिर लास्ट पे लिखा हुआ है मॉडल, मॉडल के बाद लिखा हुआ है टूल्स। टूल्स के अंदर आया हुआ है यहाँ पे परमिशंस। मैं परमिशंस के ऊपर क्लिक करके उसके अंदर चला गया। ठीक है, कि मेरी स्किल को कौन कौन सी परमिशन रिक्वायर्ड है, मतलब यूजर जो स्किल को इस्तेमाल करेगा उसकी कौन कौन सी परमिशन मुझे चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए नाम, फुल नेम चाहिए। ठीक है, एक ये मैंने कर दिया क्योंकि जाहिर है बंदा लॉग इन है तो नाम तो मिलना चाहिए आपको, मतलब बंदा लॉग इन है ना, वो ऑर्डर आप किसी ना किसी नाम से ही करेंगे, तो वो आपने कह दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि कस्टमर ईमेल एड्रेस। ठीक है, दूसरी चीज, ये दो चीजें मुझे मिल जाए फिलहाल के लिए काफी है। अच्छा जी, और मैंने इसको कर दिया सेव। अच्छा, सेव नहीं करना पड़ता, ऑटो सेव है ये, वापस चला गया मैं कस्टम में। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैंने फोन यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ था शुरू से, कि अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी स्किल है, जो मैं टेस्टिंग मेरी लगी हुई है स्किल पर, अलेक्सा के अंदर ऐसा होता है कि आपने कोई स्किल अगर पब्लिश कर दी है ना, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज करते, मतलब पब्लिश तो हो चुकी है वो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको यूआरएल देते हैं, वो यूआरएल देते हैं तो वो स्किल के पेज पे जाता है, वहां पे इनेबल करता है आपकी स्किल को। तो इनेबल करते वक्त जो है ना, आपसे वो ये तीनों परमिशन मांगेगा। जैसे ही आप इनेबल करेंगे ना, तो आपसे वो कहेगा कि भाई ये स्किल ना आपका ईमेल भी इस्तेमाल करेगी, आपका नाम भी इस्तेमाल करेगी, क्या आप उसको ग्रैंड करना चाहते हैं? वो कहेगा हाँ, तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो अब मेरे पास तो ऑलरेडी स्किल इस्तेमाल हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्क्रीन को मिरर करता हूँ इसके ऊपर, ताकि आप भी देख सकें कि क्या सीन है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ये मैं गया कहां पे, गया मोर पे गया, और स्किल्स एंड गेम्स पे गया। सही है, ये हो गया। उसके बाद मैं गया योर स्किल, कि अभी जो मेरी स्किल जो है ना इनेबल जितनी भी हुई है वो यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है जी, अब मेरे पास जो इनेबल स्किल है ना वो ये है सारे। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, नोट करें आप, प्राइवेट लिखा हुआ है ना जिसके ऊपर, वो एक ड्रॉप डाउन है, उसको मैंने खोला, यहाँ पे लिखा हुआ है डेव, मैंने डेव पे क्लिक कर दिया, तो अब ये डेवलपमेंट में मेरी जितनी स्किल्स है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये वाली स्किल शो नहीं हो रही, सीना वाली शो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें गलत ईमेल से लॉग इन हुआ हूँ। खैर, तो मैं इसको शायद लॉग आउट कर दूँ, क्या लॉग आउट नहीं करता हूँ, एक तरीका और भी है, चलो दोनों तरीके डिस्कस हो जाएंगे इसी बारे में। अच्छा, मैंने इसको स्टॉप किया, यहाँ पे मैं गलत ईमेल से लॉग इन हुआ हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, alexa.amazon.com, यही सेम चीज जो मैं ऐप में कर रहा था वही सेम चीज मैं डेस्कटॉप पे भी कर सकता हूँ, वेबसाइट पे जाके। इनकी वेबसाइट क्या है, alexa.amazon.com, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे मैं गया सेटिंग, सॉरी स्किल्स, ये रहा स्किल्स पे गया। ठीक है जी, कोने में लिखा हुआ है योर स्किल्स पे चला गया। अच्छा, इसमें आप नोट कीजिए, रीसेंट एडेड
पर्सनल स्किल और डेव स्किल, तो मैं अभी डेव वाले पे आ जाता हूँ, जो जिसकी डेवलपमेंट अभी चल रही है। यहाँ पे देखें, मैं चूंकि करेक्ट ईमेल से लॉगिन हूँ, यहाँ पे मैं फोन पे दूसरे ईमेल से लॉगिन हूँ, यहाँ पे करेक्ट ईमेल है, तो मेरे पास मलिक रेस्टोरेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐप क्रिएट की है वो यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, ये शो होगी जब होगी जब यहाँ से ना टेस्टिंग इनेबल होगी। अगर यहाँ से टेस्टिंग ऑफ है तो वहां से गायब हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब पता चले आपने टेस्टिंग इनेबल किए बगैर और यहाँ जाके ढूंढेंगे ना, वो आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है जी। तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं जैसे ही गया, आप नोट कीजिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दिस स्किल नीड परमिशन टू एक्सेस फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ये स्किल मेरे पास पहले से इनेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा एक दफा को, सही हो गया, फिर मुझे इनेबल करना पड़ेगा दोबारा इसको। इसने मुझसे पासवर्ड वासवर्ड पूछा पूरा, मैंने कहा ठीक है जनाब, सही है। देखो क्या पूछा इसने कि स्किल की परमिशन चाहिए कौन कौन सी, फुल नेम और ईमेल एड्रेस। मैं यहां से इसको बंद भी कर सकता हूँ, बंद करूंगा तो क्या होगा, वो मना हो जाएगा। लेकिन पहले हम सीधा सीधा करके देखते हैं कि सीधे सीधे करने में क्या होता है। तो सीधा सीधा करने के बाद हमने कहा सेव परमिशन, सही है जी, सेव परमिशन कर दिया। अच्छा, बाद में भी इसको चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सेटिंग के अंदर जाऊंगा मैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने शुरू में परमिशन दे दिया है एज अ कस्टमर, एज अ यूजर आपने शुरू में दे दिया परमिशन, तो अब यहाँ पे जाके ना इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग पे जाके। मैंने कहा मैनेज परमिशन और इसको मैं दोबारा से क्लोज करके दोबारा सेव कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं ये नहीं कर रहा, अभी मैं इसको जस्ट ऐसे ही रहने देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे जाके दोबारा से अपनी स्किल को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं स्किल जब इस्तेमाल करूंगा, हर रिक्वेस्ट पे नया टोकन मिलता है, जो बेयरर टोकन है ना वो हर रिक्वेस्ट पे नया मिलता है, और वो जब तक वो रिक्वेस्ट इन्हें चल रही है ना, जब तक ही वो इस्तेमाल के काबिल होता है, उसके बाद फिर वो, हाँ उसके बाद फिर वो आप बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आके कि आस्क मलिक रेस्टोरेंट टू शो माय डिवाइस आईडी, ठीक है। डिवाइस आईडी वाले इंटेंट में ही मैंने पूरे को कंसोल करवाया हुआ, तो मैंने डिवाइस आईडी पे ओके कर दिया उसको। और अब जो नई वाली रिक्वेस्ट आएगी उसके ऊपर मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, क्या सीन हो गया ये, किस किस्म का एरर आने लग गया भाई। ये क्या ऑन लिख के, अभी तो सही चल रही थी, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा इस पेज को, पता नहीं होश नहीं संभाल पा रहा। चल गया भाई, ठीक है। तो सम टाइम इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज ये क्या होता है, ये होश नहीं संभाल पाता ना, थोड़ा ये नशे में आ जाए। अच्छा, अब इसमें आप नोट कीजिएगा कि कुछ ना आपको, ये मैंने बिल्कुल नया वाला जो रिक्वेस्ट है ना, अभी वाली रिक्वेस्ट वो मैंने यहाँ पे लाके रखी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें परमिशन एक मिला हुआ है आपको, ये पहले नहीं आ रहा था ना, उसके बाद कंसेंट टोकन लिखा हुआ है, सही है, ये कंसेंट टोकन भी पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, कंसेंट टोकन दोबारा भी, डबल डबल हर चीज डबल डबल इसमें आती है, पता नहीं क्यों। मुझे जाना है इस वाले एपीआई एक्सेस टोकन के ऊपर जाना है, सही है। तो मैंने इस एपीआई एक्सेस टोकन को दोबारा से कॉपी किया और अब मैं जाके क्या करता हूँ, पोस्टमैन के जरिए इसको दोबारा से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। और अब मैं नए टोकन के साथ यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ और ये मुझे स्टिल 403 दिखा रहा है।
ये मुझे स्टिल 403 दिखा रहा है, पता नहीं क्या बकवास है। कंसेंट टोकन भेज के देता मैनुअली कर लेता हूँ हेडर के अंदर डाल के, पता नहीं वो उसमें कोई इशू ना आ जाए। बेयरर की स्पेलिंग तो सही लिख रहा हूँ ना। अच्छा बेयरर की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। ये इसकी एपीआई है, एपीआई को मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है जी। और ये हमारा एक्सेस टोकन जो इन्होंने डॉक्यूमेंट में बताया हुआ वो इसका बोला हुआ है कि ये जाएगा उसके साथ। की बोले तो हाँ, ये असल तरीका इसको ये होता है कि हेडर में ना ऑथराइजेशन रख के भेजते हैं, बट ये जो इसमें ऑथराइजेशन में आ रहा था ना यहाँ पे बेयरर, ऐसे बेयरर टोकन, तो वो क्या होता है कि इन्होंने कन्वीनियंस करके रखा हुआ है, वरना असल में उसको हेडर में भेजा जाना चाहिए। अब यार यहाँ पे इसने आगे पंगा शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं चल के कि कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो हमने मिस कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास। वो भी डाल देता हूँ, चलो भाई। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये मसला ये 403 चल रहा है ना, ये और कोई इशू नहीं, 403 पे ही घूम रहा है अभी तक। If you provide content to customers through CloudFront, you can find a step to troubleshoot the help to prevent the error by reviewing the CloudFront documentation. We cannot connect the server or app website at this time. It might be too much traffic or a configuration error. यार थका देता है बहुत ये। अच्छा भाई, तो हम डॉक्यूमेंटेशन को अगर एक दफा गो थ्रू करते हैं ब्रीफली, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो हमने मिस कर दिया जिसकी वजह से ये नहीं चल पा रहा। अच्छा भाई, बिफोर यू बिगिन यू मस्ट इंक्लूड द लिंक टू द प्राइवेसी पॉलिसी दैट अप्लाइज टू योर स्किल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पेज डेवलपर कंसोल। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल उसमें डालना पड़ेगा, वैसे तो पब्लिश करने के बाद ये होना चाहिए था, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम रैंडमली कोई भी यूआरएल उसमें डाल देते हैं, क्योंकि सही है मेरे पास कोई बनी भी। क्या नाम रखा था उसका मैंने, मलिक वेदर असिस्टेंट, सही है भाई। तो ये हम प्राइवेसी की डाल देते हैं। हमने इसका वो बनाया हुआ था,
पेजेस बनाए हुए थे ना हमने इसके। ये आ गया भाई प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी में कह रहे हैं ईमेल का जिक्र होना चाहिए, सही है, सेंड यू ईमेल, हाउ वी यूज योर इन्फॉर्मेशन। ईमेल का जिक्र हुआ है इसके अंदर, खत्म हो गई बात। इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट, हाँ भाई ईमेल हम कलेक्ट कर रहे हैं, खत्म हो गई बात, बिल्कुल सही बना भाई। अच्छा तो हम जाते हैं जनाब और यहाँ पे जाके हम प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना इसमें डाल देते हैं ईमेल। वैसे तो असूलन ये डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त होना चाहिए इशू, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, लास्ट टाइम हम देख चुके हैं एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ना करने की वजह से ना चल ही नहीं रहा, वो एंटायरली चलना ही बंद हो गया था। प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, डज योर स्किल अलाउ यूजर टू मेक परचेज और मनी, नो। डज दिस अलेक्सा कलेक्ट यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यस। Is skill directly does or does children or 13? No. Does this skill contain advertisement? No. Export compliance, I certify. Okay. ठीक है, sample testing instruction. अरे क्या है? वहाँ तो वो तो आया ही नहीं। Privacy policy का तो बना भी नहीं आया नहीं। Availability. Public. All countries safe. पता नहीं कहाँ आएगा, सर्टिफिकेशन में आएगा पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, नहीं प्राइवेसी पॉलिसी मिल नहीं रहा ना इसमें मुझे। अरे ये रहेगा सही है, दोनों में डाल के ओके कर दिया हमने। कि मे बी वो इस टेक्स्ट बॉक्स को देख रहा होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स अगर खाली हो तो उसको चलने ना दो, मे बी दोबारा इसको हिट करके देखते हैं। अभी भी 403 है। अच्छा और देखते हैं भाई अगली क्या बात कह रहे हैं। योर स्किल मस्ट नॉट बी अ चाइल्ड डायरेक्टेड स्किल, सही है, चाइल्ड वाला नहीं है। यू मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू रिट्रीव कस्टमर इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द फीचर एंड सर्विस प्रोवाइड कर। You must not use customer information, name, email, phone number to the link customer in the background. The skill must call Alexa customer profile API. सही है, ये सब कुछ हमने सही किया है। अच्छा यार इसको जरा ना go through करो तुम लोग, और इसमें से कोई ऐसा point निकालो जो तुम्हें लगता है कि जिसकी वजह से नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं दो मिनट में पानी।